हरियाणा प्रदेश के कॉलेजों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर प्रदेश की जनता को सहूलियत देने के लिए इस कठिन पायदान को पार करते हुए असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर को ये बेहतरीन तोहफा दिया है। पॉलिसी के माध्यम से असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर को हो रही परेशानियों का निदान किया है। प्रदेश सरकार की ये पॉलिसी असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के स्थानांतरण से जुड़ी हर परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार की गई है। पॉलिसी के लागू होने की खुशी असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के चेहरे पर साफ झलकती है। ट्रांसफर पॉलिसी का सबसे बड़ा जो उसकी विशेषता है कि टीचर की जो इच्छा है उसके हिसाब से अपने स्थान पर जाए। क्रम कैसे बनेगा? क्रम सीनियोरिटी से बनेगा। सीनियोरिटी कैसे बनेगी? प्रमुख उसमें फैक्टर है एज। हायर द एज सीनियर ही वुड बी। नंबर ऑफ इयर्स कितने सर्विस उसकी है वो नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरीज को हमने प्रेफरेंस दी है। महिलाओं को है, महिलाओं में भी फिर आगे विंडोज को और ज्यादा दी है, या जो डिजीज जिसको ऐसी है इनक्योरेबल है, या जो कठिनाई है तकलीफ है, या दिव्यांग है, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दे करके, और हमने उनको जो रिटायरमेंट के नजदीक जिन लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है ऐसे बेनिफिट उनके नजदीक ले जाने के हमने दिए हैं, इसलिए सब सेटिस्फाइड हैं। प्रदेश सरकार ने पॉलिसी को यूं ही नहीं लागू किया है, बल्कि हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने संशोधित ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2022 को तैयार करने से पहले हर मुद्दे पर पूरा सोच विचार कर इस पॉलिसी को तैयार किया है। इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं और जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 92% है। 92% जो टीचर हैं वो इससे पूरी तरीके से संतुष्ट है, और इसमें किसी के साथ कोई न्याय नहीं। हर आदमी के अपने हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से उसके नंबर हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से भी उसके नंबर हैं। अगर वो लेडीज है तो उसके अलग से नंबर हैं, और अगर हैंडीकैप्ड है तो उसके अलग से नंबर हैं। मतलब हर तरीके से उसको एक वो दिया गया और किस प्रकार से उसको सुविधाजनक रह सकता है, और मैं समझता हूँ सब लोग इससे सेटिस्फाई हैं, टीचर भी सेटिस्फाई हैं इससे। और जो एक बहुत बड़ा एक जमघट रहता था ट्रांसफर के लिए वो सारा का सारा समाप्त। पॉलिसी में दिव्यांगों, महिलाओं और वरिष्ठ असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर को छूट भी दी गई है, जिससे किसी भी प्रोफेसर को परेशानी ना झेलनी पड़े। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो गई है। एज अ प्रिंसिपल मैं ये कहना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट की ये ऑनलाइन पॉलिसी की जो स्कीम है बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे जैसे अब मैं अपने स्कूल का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है लड़कियों की, तो उसके लिए ऑनलाइन पॉलिसी की वजह से आज मेरे पास हर फैकल्टी अवेलेबल है, टीचर्स भी प्रॉपर हैं और क्लासेस भी यहाँ पर प्रॉपर लगती हैं। हमें अपनी डिमांड जो है हायर अथॉरिटीज़ को बार बार नहीं भेजनी पड़ती, ऑनलाइन पॉलिसी का काफ़ी बेनिफिट हमें हो रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा जो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की गई है बहुत ही सराहनीय है। इस पॉलिसी से जो है अध्यापकों को अपनी मन मर्जी के स्टेशन मिल रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा अप्रोच भी चलानी पड़ती थी, पैसा भी चलता था, लेकिन अब जो है इससे हरियाणा सरकार ने ये पॉलिसी बना करके अध्यापकों का बहुत ही फायदा किया है। मर्जी के जो है वो स्टेशन दिए जा रहे हैं, उम्र के हिसाब से जो नंबर लगाए जा रहे हैं वो भी बहुत ही सराहनीय हैं। तो जिसकी आयु लंबी है यानी बड़ी आयु के हैं उनको मर्जी से स्टेशन मिल रहे हैं। तो मैं जो है इस पॉलिसी में 3 बार भाग ले चुका हूँ और 3 बार मेरी आयु के अनुसार और मेरे को जो है बढ़िया ही स्टेशन मिले हैं। मैं इस पॉलिसी का, हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ऐसे में अब असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर्स भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे में आ गए हैं। हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने संशोधित ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2022 तैयार की है, लेकिन हर 5 साल बाद ही एसोसिएट प्रोफेसर्स इसके दायरे में आएंगे। इस ट्रांसफर पॉलिसी में मुझे काफ़ी अच्छी बातें लगती हैं कि आप एक टाइम पीरियड के बाद आपका स्टेशन चेंज हो जाता है और आपको नए स्कूल में काम करने का मौका मिलता है, और मुझे ये हर रूप से अच्छी लगती है।
ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसके अंतर्गत जो है हमें कई स्कूलों में काम करने का मौका मिलता है, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में जानने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे थोड़ा सा हमारा चेंज मतलब चेंज हो जाता है थोड़ा सा, और चेंज करके थोड़ा सा जैसे हमारा जो सोशल दायरा है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ट्रांसफ़र पॉलिसी मेरी नज़र में ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत ठीक है ये, कि इसने मुझे एक दूर क्षेत्र से मुझे अपने शहर में मेरी पोस्टिंग हो गई है, और पॉइंट्स के थ्रू जेन्युइन तरीके से बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने पॉलिसी की है। स्थानांतरण नीति के तहत ये सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत उन सभी असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर्स पर लागू होगी जिनके विषय में 80 या 80 से अधिक स्वीकृत पद हैं। योग्य प्रोफेसर 15 सरकारी कॉलेजों के विकल्प भर सकेंगे, लेकिन विकल्प देते समय ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके विषय उन कॉलेजों में पढ़ाई जा रही हैं और वर्कलोड के अनुसार उपलब्ध हैं। ट्रांसफर ड्राइव 2016 से हम कर रहे हैं, और हमारी पॉलिसी ऐसी है कि पूरे देश में काफी प्रांतों ने इसको अडॉप्ट किया है, और इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है आप सुनकर के आपको सबको अच्छा लगेगा, 16 में 87%, 17 में 90%, और 17 में फिर जो TGTT के और इनके ट्रांसफर हुए प्रिंसिपल्स के वो 98% सेटिस्फेक्शन है। 18 में नहीं हुए ट्रांसफर, 19 में जो प्रिंसिपल्स हेडमास्टर PGT के ये 94% सेटिस्फेक्शन है। 19 में फिर ESHM एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर और PGT 4 वर्षों में 16, 17, 18 में हुए नहीं, और 19 89,000 टीचर्स के ट्रांसफर हुए हैं, और ओवरऑल लगभग 93-94% सेटिस्फेक्शन रेट ये रहा है। 20 और 21 में हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर कोविड के कारण से नहीं कर सके, क्लासेस भी डिस्टर्ब हो गई थी, ऑनलाइन कक्षा लग गई थी, सब लोग अपने घर से पढ़ रहे थे, यानी घर में ही पढ़ रहे थे बच्चे, घरों से टीचर पढ़ा रहे थे, इसलिए 2 साल वो नहीं हो पाया। अब इस वर्ष वो टीचर ट्रांसफर का सिलसिला सारा शुरू किया है, इसमें क्योंकि 2 साल हुआ नहीं, 3rd साल हो रहा है, तो इसमें कई कठिनाइयां डाटा एंट्री की भी आ रही हैं, कहीं कहीं पोर्टल में भी कुछ गड़बड़ हो रही है, वो सब ठीक तकनीकी खामियां जो हैं ये ट्रांसफर ड्राइव की सब ठीक करने के बाद, जब सबका डाटा जो उनको लोड करना है वो लोड हो जाएगा, उसके बाद ही ये ट्रांसफर हम करेंगे, उसके लिए हमने 2 बार शायद टाइम भी बढ़ाया है। जिन प्रोफेसर्स की अनिवार्य ग्रामीण सेवा लंबित है उन ग्रामीण महाविद्यालयों के चयनों को भरना सुनिश्चित करेंगे जहां वो विषय पढ़ाया जा रहा है। ऐसा ना करने पर सिस्टम ऑटोमेटिक ही प्राध्यापकों द्वारा भरे गए शहरी महाविद्यालयों के चयन को अस्वीकार कर देगा। स्थानांतरण नीति मौजूदा एसोसिएट NCC अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। 31 मार्च तक उम्मीद है कि शायद भर्ती हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू होगी, और लगभग इसमें 20,000 के करीब टीचर हैं, 12,000 के करीब टीचर जो हैं वो रेगुलर भर्ती होगी, और 8,000 के करीब जो है वो हम कौशल विकास के माध्यम से रखेंगे। यदि कोई ANO नीति के माध्यम से स्थानांतरण में भाग लेना चाहता है तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि अच्छे कॉलेज में उसके शिक्षण विषय में ANO NCC के पद रिक्त हैं। सबसे बढ़िया बात है भी, मतलब बगैर किसी उसके स्पार्स थे, और बिल्कुल ठीक पॉलिसी है, ट्रांसफर हो जाती है और घर के नज़दीक आ जाते हैं। पहले ऐसे था, पहले तो MLA के चक्कर काटते थे, नहीं पड़ते थे ट्रांसफर में, अब किसी MLA के कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, अपना ये पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होती है, उम्र के अनुसार पॉइंट बनते हैं, बाकी रिजल्ट भी जुड़ता है। सर ये जो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी है सरकार ने जो बनाई है, ठीक है सर, मतलब इसने हमें लगभग हमारे मनपसंद सेशन मिल जाते हैं, जो भी हम सेशन फील करते हैं कंप्यूटर पर, कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं इसके अंदर, बिल्कुल एकदम सही है सर। ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है बहुत ही अच्छी है, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारे स्कूल्स चेंज होते हैं, बट सर इसमें एक जो हम सबको महसूस यहाँ पर चीज़ हो रही है कि मिड सेशन में होता है, तो इससे बच्चों का सिलेबस का बड़ा लॉस होता है, बाकी
जो है हमें अपनी प्रेफरेंसेस के स्कूल मिले हैं और अच्छा ही है ये नीति। 1 जून 2023 तक जारी किए जाएंगे स्थानांतरण। हर वर्ष 31 मार्च को कार्यभार के अनुसार वास्तविक रिक्तियों, मानी गई रिक्तियों और काल्पनिक रिक्तियों के लिए योग्यता तिथि, वेटेज, अंकों की गणना होगी। इसके अलावा वास्तविक रिक्तियां, डीम्ड रिक्तियां और नेशनल रिक्तियां प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक की जाएंगी। पात्र असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर प्रत्येक वर्ष 1 मई से 15 मई तक 15 सरकारी महाविद्यालयों की अपनी पसंद ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। स्थानांतरण आदेश 1 जून तक जारी किए जाएंगे। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो 7 जून तक दर्ज करवा सकता है। ये पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है क्योंकि पिछले साल मैं प्रमोट हुआ था और करनाल मेरे को मिला था डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से मैं ट्रांसफ़र होकर के आया हूँ। 3 सितंबर को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। पहले परेशानी होती थी मैनुअल कराने में, चंडीगढ़ के भी चक्कर लगाने पड़ते थे, भागा दौड़ी करनी पड़ती थी, खूब एमएलए से मिलना, अधिकारियों से मिलना, मगर अब इस तरह की कोई भी इसमें झंझट नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर पे हमने अपना डेटा अपलोड करना होता है और फिर वो सारा का सारा काम कंप्यूटर पे बड़े सिस्टमेटिक ढंग से कंप्यूटर अपने आप ही उठाता है और जो पॉइंट्स हमारे होते हैं उसके अनुसार जो भी हम स्टेशन उस पर पढ़ते हैं वो हमारे पॉइंट्स के अनुसार हमें स्टेशन ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। निष्पक्ष व पारदर्शी होगी तबादला नीति। जिला नूह और जिला पंचकुला केवल मोरनी हिल्स क्षेत्र के लिए मैं सरकारी महाविद्यालयों का चयन करने वाले प्रोफेसर का ये गृह जिला नहीं है, इसलिए जिनका यहाँ तबादला होगा उन्हें अतिरिक्त भत्ते का भुगतान किया जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया पूरे होने के 15 दिनों के भीतर म्यूचुअल ट्रांसफर विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफर 5 साल की अवधि के लिए वैध होगा। ना हमें किसी नेताओं के चक्कर लगाने पड़ रहे, ना किसी के मंत्री के पास जाना पड़ रहा। तो पॉइंट्स के रिगार्डिंग, इनमें लेडीज़ हैं उनके अलग पॉइंट्स हैं, जो हमारा वीकर सेक्शन है, खासतौर से फिजिकली है, चैलेंज पर्सन है, उनके लिए बहुत फायदा। मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि ये 100 out of 100 इसका मार्क्स में देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कोई किसी भी टीचर को कहीं ह्यूमिलेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी तरह का कोई सफ़र नहीं करना पड़ता, कहीं किसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते ऑफिस के, घर बैठे बड़े आराम से हमारे सीनियरिटी के बेस ये ट्रांसफ़र होता है और इसमें हमारे पॉइंट्स जो है वो फिक्स कर दिए जाते हैं एज के हिसाब से, रिजल्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद सभी को चॉइस के स्टेशन लगभग मिल जाते हैं। तो अगर किसी के पॉइंट्स कम है तो बाय द वे उसको कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर जाना पड़ता है, अदरवाइज मोस्टली टीचर जो है घर बैठे ऑनलाइन पॉलिसी का बड़ा बहुत बड़ा फ़ायदा ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसे पॉलिसी को लेकर के हमारे नेबरिंग स्टेट्स में भी बड़ा क्रेज है। और यदि कोई पद पर कार्यरत प्राध्यापक सेवानिवृत्त हो जाता है तो अन्य पदधारी को समय सीमा के बावजूद अगले ऑनलाइन स्थानांतरण में भाग लेना होगा। स्थानांतरण आदेश 1 जून तक जारी किए जाएंगे और इसके बाद यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो 7 जून तक शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ना तो इसमें कोई सिफारिश है और मेरिट के हिसाब से जितने अंक बनेंगे उसी के हिसाब से इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। कोई पहले कहीं कहीं तो ऐसी जगह होती थी जहाँ कभी बिना सिफारिश का कोई जा ही नहीं पाता था, और इस पॉलिसी में नंबर के हिसाब से आप कहीं भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे भी जा सकते हैं, शहर के नज़दीक भी जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया पॉलिसी है। सरकार द्वारा संचालित की जा रही है ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बहुत ही सराहनीय है और लाभकारी भी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपनी
पसंद के स्थान पर जो हमारे लिए हर तरह से उपयुक्त है अपनी सेवाएं दे सकते हैं बिना किसी कहते पर्ची और खर्ची के। जैसे कि सरकार में आजकल इस सरकार का खास मोटिव यही है कि बिना पर्ची और खर्ची के काम किया जाए। तो लोग तो ट्रांसफर के दौरान भी बहुत परेशान करते थे पहले कि इसके लिए भी अप्रोच चाहिए तब हम अपने नज़दीकी स्टेशन पर जा सकते हैं, लेकिन ये पॉलिसी ऑनलाइन जो शुरू हुई है इससे हम बहुत संतुष्ट हैं और ये अच्छी है। समान अंक होने पर वरिष्ठ प्राध्यापकों को प्राथमिकता। असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर का स्थानांतरण पद के आवंटन रिक्तियों के लिए योग्यता मानदंड किसी कर्मचारी को रिक्त पद के आवंटन के लिए योग्यता निर्धारित 100 अंकों में से अर्जित कुल समग्र स्कोर अंकों पर आधारित होगी। ट्रांसफर पॉलिसी ये अच्छी पॉलिसी है, इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत है, सब कुछ ऑनलाइन है, आप आसानी से अपने पसंद का स्टेशन ले सकते हो। नई ट्रांसफर पॉलिसी है ये बहुत अच्छी है। एक तो ये है कि हमें MLA मंत्रियों के कोई चक्कर नहीं काटने पड़ते और अपनी सुविधा अनुसार हम अपना स्टेशन चुन सकते हैं और हर एक को अपने मन मुताबिक स्टेशन चुनने का एक अच्छा अधिकार सरकार ने दिया है। किसी रिक्ति के विरुद्ध प्राध्यापकों के दावे का निर्णय करने के लिए आयु पहला मानदंड होगा और इसमें कुल 100 अंकों में से अधिकतम 57 अंक होंगे। समान अंक होने की स्थिति में आयु में वरिष्ठ होने वाले प्राध्यापकों को वरीयता दी जाएगी। दिव्यांग समेत इन कैटेगरी को 20 अंकों का विशेषाधिकार। विशेष श्रेणी जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा, कानूनी रूप से अलग, अविवाहित महिलाएं, विडोअर्स, दिव्यांग, दुर्बल विकारों के रोग, अलग अलग दिव्यांग या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, बच्चों और इस तरह के मामलों समेत महिलाओं को शामिल किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा अधिकतम 20 अंकों का विशेषाधिकार प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस कैटेगरी है जिसमें नियमित आधार पर लंबे अनुभव, अच्छे परिणाम और शोध प्रकाशन शामिल है। इसका वेटेज अधिकतम 23 अंक होगा। ऐसे असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर जो 75% से अधिक नेत्रहीन हैं या 75% से अधिक लोकोमोटिव विकलांग हैं जिनमें दोनों पैरों को शामिल किया गया है, उन्हें उनकी पसंद के स्टेशनों पर पोस्टिंग दी जाएगी और उन पर 5 साल के ठहरने की शर्त लागू नहीं होगी। ट्रांसफर है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस का एक रेगुलर पार्ट है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो ट्रांसफर्स को लेके किसी तरह का ऑब्जेक्शन करे, लेकिन ट्रांसफर्स में ट्रांसपेरेंसी जो है वो बड़ी जरूरी चीज है। आर्बिट्रेरी ट्रांसफर्स ना हो, बच्चों का जो भविष्य है उसका ध्यान रखा जाए, तो इन पहलुओं के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी के लिए ट्रांसफर पॉलिसी का होना बड़ा जरूरी है। और जो पॉलिसी का ड्राफ्ट सरकार ने साझा किया था हम लोगों के साथ, उसमें काफी हद तक जो ट्रांसपेरेंसी थी वो मेंटेन की गई थी। देखिए सर, जैसा कि हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का गठन किया था वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, और जैसे कि जूनियर लेवल पे जूनियर लेक्चरर की भी ट्रांसफर की है, उनकी तरफ से भी रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। समान अंक होने की स्थिति में आयु में वरिष्ठता को वरीयता दी जाएगी। अविवाहित महिला सहायक एसोसिएट प्रोफेसर की शादी होने पर विवाहित महिला सहायक एसोसिएट प्रोफेसर की पति की मृत्यु या पति से कानूनी रूप से तलाकशुदा, पत्नी की मृत्यु पर पुरुष सहायक एसोसिएट प्रोफेसर को अनुरोध पर विकल्प बदलने का अवसर अगले स्थानांतरण में भाग लेने के लिए दिया जा सकता है। मैं मानता हूं कि हरियाणा सरकार द्वारा जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी आयोजित की गई है वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई मैं ज़्यादा कमी नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे पहले हर कर्मचारी शिक्षा विभाग से बड़े परेशान था इस ट्रांसफर को लेकर के, अब सभी जो कर्मचारी वर्ग हैं लगभग 90% से ऊपर कर्मचारी इससे संतुष्ट हैं, और मैं तो यही अनुमान लगाता हूँ कि आने वाले समय में जैसे कर्मचारियों की पहले भी मांग रही है कि एक्सपीरियंस के जो नंबर है वो भी इस ट्रांसफर पॉलिसी में यदि जोड़ दिए जाएँ तो ये ट्रांसफर पॉलिसी हमारे
केवल हरियाणा की नहीं बल्कि भारत की सबसे अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी हो। जो ये पॉलिसी है टीचर्स की, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छी लाई गई, क्योंकि जो दूर दराज बैठे थे उनको स्टेशन बिल्कुल अपनी मनपसंद के मिले हैं। इसमें रैशनलाइजेशन किया है, बच्चों को अब पूरे अध्यापक मिल रहे हैं, और फिर अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो सेंटर के द्वारा आप आ सकते हैं, टेस्ट दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन बढ़ी है और बच्चों की संख्या भी निश्चित रूप से इससे बढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसी पॉलिसी और लेके आए और जो भी कमियां हैं उनको थोड़ी बहुत दुरुस्त किया जाए ताकि सब टीचर्स और बच्चों का भला हो। डेपुटेशन वाले प्राध्यापक भी दायरे में आएंगे। जो असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर यूटी प्रशासन या अन्य राज्य या राज्य सरकार के अन्य विभाग जहां वे प्रतिनियुक्ति पर थे को भी उपलब्ध रिक्ति स्थिति के अनुसार नीति के अनुसार सरकारी महाविद्यालयों के अपने विकल्प देना होगा। यदि ऐसे असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर स्थानांतरण अभियान के बाद स्वदेश लौटते हैं तो उनका तबादला प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है सरकार ने, ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियरी है। आप सोच सकते हैं कि पहले बहुत दूर दूर ट्रांसफर्स हो जाती थी और ट्रांसफर सारा साल ट्रांसफर्स चलती थी, उन ट्रांसफर्स को करवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन एक अब क्लियर कट पॉलिसी है, सबको अपने मनपसंद स्टेशन मिलते हैं। और जब आप ये सब सोच सकते हैं कि जब हम मनपसंद स्टेशन पर होते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है पढ़ाई का वो भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। बहुत अच्छी पॉलिसी। जो सबसे मेन बात की, चाहे कोई रूरल में टीचर जॉब कर रहा हो या कहीं भी कर रहा हो, सबको अपने पॉइंट्स नंबर इसके अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे सब अपना मन मर्जी का स्टेशन पा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के कोई भी शिक्षक इसको बुरा मानते होंगे। बहुत अच्छी योजना पॉलिसी आई है, बहुत कारगर है, टीचर्स का बहुत फ़ायदा हो रहा है, सबको अपने मनपसंद स्टेशन मिल रहे हैं। जो काफ़ी दूर दूर तक उनके ट्रांसफर नहीं होती थी वो अपने नियर बाय स्टेशन पे आ गए, तो ये पॉलिसी मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। मुख्यालय के पदों को स्थानांतरण अभियान में शामिल नहीं किया जाएगा। 5 वर्ष के निर्धारित कार्यकाल के पूरा होने के कारण ऑनलाइन सामान्य स्थानांतरण को जनहित में स्थानांतरण के रूप में माना जाएगा और ऐसे मामले में शामिल होने का समय और समग्र स्थानांतरण अनुदान TA DA आदि हरियाणा सिविल सेवा नियमों 2016 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य होगा। हरियाणा सरकार